ये आपकी और ये आपकी। बाबा लोगों के साथ साथ मैंने कहा मैं भी बकरियां जो है ना इनको चरा लेती हूँ, जरूर हेल्प कीजिएगा इन बेचारों का भी, जो अब सर्दियाँ आ रही है बुजुर्ग है बेचारे, फिर ऐसे पीछे से डालते रहते हैं और छोटा छोटा सा जो है ना काटते रहते हैं। अब सिस्टर कह रही है कपड़े मैंने तय किए, अब आप रखो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी हो गई है शाम और कुछ बहन भाइयों की शादी से पहले जिम्मेदारी आई हुई थी तो शादी में मसरूफ़ हो गए थे, फिर शादी में ही इतना बड़ा जो है ना हमें टेंशन आ गई थी। अल्लाह पाक जो है ना परवेज़ के मामू जान को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, तो इस वजह से जो है ना तो नहीं मतलब जिम्मेदारियाँ दे पाए, तो अभी जिन जिन की जिम्मेदारी बहन भाइयों की तरफ से देनी थी वो अब चल के देते हैं। और तो बड़ी सिस्टर पता नहीं क्या बना रही है, मैंने शाम को आके वापसी खाना भी बनाना है और शाम हो गई है, जल्दी से चलते हैं और अपनी जिम्मेदारी देते हैं, फिर आके अपना जो है ना घर का रात का खाना भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना बहन भाइयों की जिम्मेदारी पहले है, तो चलो। जी अम्मी जान, कल मैं मगरिब के टाइम आई थी क्योंकि रात हो गई थी, तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं आ पाई, तो इसलिए मैंने कहा चले जाके सुबह जाके दे आऊंगी, तो फिर मैं अभी आ गई हूँ इन बच्चों को आपकी जिम्मेदारी देने के लिए। अल्लाह सबसे पहले तो आपका दिया कबूल करे और लंबी जिंदगी दे सेहत वाली, और बच्चों के चेहरे के ऊपर जो है ना मुस्कुराहट देखें, खुशी देखें। और अम्मा जी जो है वो गए हुए हैं दवाई लेने के लिए, तो फिर बच्चों को सब चीजें वगैरह देते हैं और वो फिर अपना जो है ना अम्मी को देंगे। चलो बेटा, ये जो चीजों से जो बचे थे ना ये वो पैसे हैं, तो फिर मैंने कहा लिफाफा दे दें, चले इनके जो है ना सब्जी वगैरह के हो जाएंगे। ये आपका पिंक कलर का फूल और ये माशाल्लाह ये भी इसका सेम सेम लिया है, मैंने कहा था कि बच्चियां जो है ना उनकी जो है ना दिल आजारी ना हो, तो एक ही साथ पहनेगी तो प्यारी वो देखें। हाँ ठीक है, मैं महज जिसमें से भी ऐसे ही लेते थे ना, ये लो ये आपका ये दो सूट है और ये आपके सर्दी के लिए हाथ से लिया है, ताकि आगे बहुत ज़्यादा सर्दी आएंगी और धुंध होती है, तो इस वजह से मोटे कपड़े लिए हैं ताकि जो है ना अपना ये अपना सेफ रहे। और ये अम्मा के दो सूट हैं ये वाले, माशाल्लाह अल्लाह उनके नसीब करे। ये अम्मा के और बच्चा देख रहे हैं शायद मेरे जो है ना वो नहीं आए, ये ब्लू कलर का इसका सूट है और ये ब्राउन कलर का भी इसका सूट है। हंस के तो दिखा दो सभी से, देखो अब शूज आपको पहना के दिखाएंगे, ये पहले मोजे वगैरह दे दूं। एक सेकेंड में फैस दूंगा पे। हाँ ये आपकी टोपी पहन के देखो, ये आपकी टोपी नहीं, ये इसकी टोपी है और ये इसकी टोपी है। हाँ देखो सही हुआ, चलो इसको अभी से सर्दी लग गई है तो अभी जल्दी जल्दी से ये भी देती हूँ। एक दो तीन और ये चार और ये पाँच छः, एक सेकेंड बराबर की दूंगी ना, पाँच पाँच हैं, एक दो तीन चार, इसमें आ गई है एक ना जोड़ी, ये तीन आपके और ये चार और ये एक सेकेंड, ये आपकी, ये इसकी पाँच, पांच पांच जोड़ियां ली हैं ताकि जो है ना एक मैरी हो जाए तो दूसरी जो है ना बच्चे पहन सकें। तो ये हैं जी अम्मा जी के लिए पांच जोड़ियां, माशाल्लाह से कलर भी हमने अपनी तरफ से अम्मी जान बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं ताकि जो है ना पसंद आए। ये देखें ये वाले कलर हैं, ये पांच जोड़ियां और ये पाँच बच्चे, हाँ ये अम्मा की और ये पाँच जोड़िए इस बच्चे के लिए, एक दो तीन ये चार और ये पांच, ये लो उतार दो गर्मी है अभी तो वो दिखा दो अभी कपड़े सब दिखा देते हैं। ये इस बच्चे की शॉल, ये आपकी शॉल और ये आपकी शॉल और ये अम्मा की शॉल,
ये माँ की जर्सी, अल्लाह हमारी अम्मा को लंबी जिंदगी दे, उनको बच्चों को सलामत रखे, सियात वाली जिंदगी अल्लाह पाक उनके बच्चों को भी दे और अम्मा के भी नसीब हो। और एक और ये था ना, ये लड़के वाली है ना, हाँ ये लड़के, ये आपकी, इसमें से छोटी कौन सी है, ये वाली है ना, ये आपकी और ये आपकी, मतलब कि बच्चों की सर्दियों के लिए जो है ना सब चीजें लेके आए, शूज, मोजे, सूट, मतलब टोटल टोपियां वगैरह सब कुछ। तो ये अभी हम इनको ना पहना के दिखाते हैं। अम्मा के शूज कहाँ हैं? ये ये अम्मा के हैं, अम्मा की जो है ना मैंने स्वेटर के साथ मैच करके ही लेके आई हूँ शूज, ताकि जो बुजुर्ग बंदा है वो अपना जो है ना पाँव उनके जो है ना गर्म रह जाए। और सबसे बड़ी बात है माशाल्लाह से क्या कहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। ये बच्चे का ये वाला इधर दिखाओ, ये पहन के दिखाओ, नीचे रख दो ना कपड़े अपने, नीचे रख दो आप भी रखो नीचे, और ये आप पहन के दिखाओ और वो पहन के दिखाए, ये पहन के दिखाओ। पहने पहने पहने, आगे करो ना पाओ, आगे करो, पहन लिया, हाँ सही है, मोजों के साथ बिल्कुल सही होगा, उसको भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यस। बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, इतना पता चलता है कि हाँ पढ़ा है। आपको भी सही है? यस। चलो ठीक है, पसंद आए? यस। आपको अच्छे लगे? चलिए अभी जान चले हमें जाना, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सामान हमने दे दिया और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं, जो बच्चे थे वो दे दिए उनको नकदी, और अभी चलते हैं फिर घर क्योंकि चाबा घर पे है। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, बहुत रिस्क दे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे सियात वाली और हज और उम्रे की शहादत नसीब हो आपको जी। आप ही ये उनकी वाइफ है जो टीबी वाले भाई है, तो वो टीबी वाले भाई गए हैं दवाई लेने के लिए, तो वो दवाई लेने के लिए गए, उस भाई को दवाई लेने के लिए मतलब भेजा है आप ही ने, क्योंकि उनकी जो है ना तबीयत अच्छी नहीं थी। ये मेरी बहन हमारी यूके से हमारी प्यारी सी आप ही हैं, उनकी तरफ से ये उनके इलाज के लिए है, ठीक है, और बहुत सारी उनके लिए दुआ कर दें आप हाथ उठा के। अल्लाह उन्हें बहुत देवे, जड़े साहब को देने पर सारे बच्चे ने सुख से याद के तेरे ने पर अल्लाह उन्हें दरे देवे, अल्लाह उन्हें को दरे देवे, अल्लाह उन्हें को सुख से याद देवे, अल्लाह उन्हें बाल को दरे देवे। बाय बाय ठीक है। आप मेरी जो हमारी यूके वाली हमारी जो बहन है यूके से, उनके लिए आप बहुत सारी दुआ कर देना, बच्चों से भी करवाना और उस भाई अपने जो खावन है ना उनसे भी आप करवाना, ठीक है, जजाक अल्लाह खैर। पहले जा रही थी उधर तो अम्मा ने आवाज़ दे दी कि प्याज नहीं है, प्याज भी लेने के लिए किसी को भेजती हूँ। मैंने अम्मा को बोला है आप जब तक चावल साफ करो, यहाँ पे लहसुन भी छीन रही है, ये रिश्तेदार ही है हमारी, तो इसको बोला है आप जल्दी से जो है ना लहसुन और ये बना लो, तो मैं भी पैसे देती हूँ जाके बच्चे प्याज लेके आए, हम मिसाले बना के यहाँ पे रखेंगी और मैं आऊँगी तो फिर जल्दी से बना। अभी यहाँ पे माशाल्लाह जो है ना देखे गायें जो है ना अपना घास खा रही है, घास गायें है ना, हाँ हाँ गायें ही हैं, मज़े से जो है ना घास वगैरह खा रहे हैं, और माशाल्लाह से यहाँ पर माल व माला जिनके भी हैं उनके रिसीव करें। और यहाँ पे ये है गांव में मतलब विलेज का इलाका हमारा, कि यहाँ पे घास वगैरह होते ना तो बकरियाँ सब कुछ जो है ना ये खाते रहते हैं और जो है ना पेट भर लेते हैं। हम लोग खाएं बकरी? ओहो मतलब कि मूल का जो है ना घास नहीं लेना पड़ता, ये चीज़ है, और पानी भी जो है ना यहाँ से पी लेते हैं, ये फार्म है, फिश फार्म है, तो यहाँ पर छोटा छोटा सा ये देखो रास्ता है, इसीलिए जो है ना हम यहाँ से जो है ना चल के ही जा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं रक्षे पे इधर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो यहाँ पे जो है ना ये क्या है, ये क्या है, मुर्गी है, हाँ हाँ मुर्गी है। बाबा लोगों के साथ साथ मैंने कहा मैं भी बकरियाँ जो है ना इनको चरा लेती हूँ, क्योंकि
देखो इनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ना। देखो कितने बुजुर्ग बंदे हैं, लेकिन ये किसी मतलब जिनकी ये है ना उधर काम बेचारे करते हैं, तो ये सारा दिन जो है ना इनको चराते रहते हैं और शाम को जो है ना इनको जाके उनके घर में जो है ना बंद कर देते हैं, उनके खाना वगैरह डालते हैं। ऊपर से देखो गायें भी आ गई, ये मारती है उसको, बच्चा जो है ना वो देखो छोटा सा बच्चा, वो देखो पकड़ रहा है उसको, पकड़ा हुआ है उसको। तो मैं भी इसको इधर से जो है ऐसे से करूँगी ऐसे। बाबा जी देख के ना खुश हो रहा है। देखो हम जिम्मेदारी देने के लिए जा रहे हैं, जो हमारी यूके से हमारी प्यारी सी बहन है उनकी तरफ से, लेकिन बेचारे का कोई हेल्प नहीं हो पाई इसके घर के ना, और ये पूरा घर नाकाम है, बैठने का लायक का नहीं है, इसलिए बेचारे इसमें नहीं बैठे हुए, क्योंकि बिल्कुल जो है ना ये ख़त्म हो गया है, पूरे गले वगैरह हो गए हैं। लेकिन अल्लाह पाक जो है ना सब बहन भाई मिलजुल के ना इन बेचारों के लिए ज़रूर हेल्प कीजिएगा। इन बेचारों का भी जो अब सर्दियाँ आ रही हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, बीमार हैं, चले गए हैं बेचारे, सेफ अपना अंदर बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, क्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है बाबा जी, ठीक है अल्लाह। ये क्या है ये देखो, ये तो बहुत ज्यादा मच्छर है, इससे तो और ज्यादा बीमार हो जाओगे। जी जी मच्छर तो है, क्या करूं, फुर रही है ना, रात धुआं धुआं लाए देता है। चलें जी हम आ गए हैं बाबा जी के घर में, और यूके से हमारी जो प्यारी सी बहन है उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी हमने देनी थी बाबा जी के इलाज के लिए। ये ने बाबा जी और यूके वाली बहन के लिए ना आप बहुत सारी दुआ कर दें, अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, हाथ उठा के दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह। जो यूके से हमारी प्यारी सी बहन की तरफ से जो जिम्मेदारियां थी वो बाइफाजत जो है ना हमने पहुँचा दी है, वहाँ टीवी वाले भाई को भी दे दी है और यहाँ बाबा जी को भी हमने दे दी है। तो बस ये है कि बेचारों का घर का इंतज़ाम नहीं हुआ, बेचारे जो है ना आप देखें कितना मुश्किल में रह रहे हैं, और अभी थोड़ा सा जो है ना मैं अंदर आई हूँ, इतने ज़्यादा मच्छर, और ये इसी चीज़ के लिए ना ये बेचारे, अब सर्दियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा और बेचारे बहुत ज़्यादा ये बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि कोहरे से पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा धुंध होती है सारा सारा दिन, तो इन बेचारों के लिए ना बस कोई घर नहीं बन पाया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक चाहेगा तो जरूर इंशाल्लाह आपका भी वसीला बन जाएगा घर का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा जी कह रही है कि भाई क्या कहते हैं हर मंथ को जो है ना कोई राशन वगैरह आए तो आप हमें वो भी दे देना, हमने कहा इंशाल्लाह अल्लाह पाक अगर देगा तो इंशाल्लाह जरूर हम पहुँचेंगे। तो अभी चलते हैं घर, अभी हम जा रहे थे तो पास में जो है ना एक बच्चा जो है ना घास काट रहा था, तो मैंने कहा देखो तो सही है कौन सा घास है, लेकिन ये जो है ना जो कम गन्ने वगैरह में घास वगैरह होता है ना वही तोड़ के लाएँ और अपनी बकरियों के लिए, मैंने कहा ये भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे जो है ना मोटर वगैरह लगाई हुई है, जब मोटर ऑन मतलब इसका स्विच लगाते हैं ना तो घास फिर ऐसे पीछे से डालते रहते हैं और छोटा छोटा सा जो है ना काटते रहते हैं, और यहाँ से कुछ मुर्गियों के जो है ना टोकरे वगैरह रखे हैं, छोटी सी जो है ना बकरी है माशाल्लाह से प्यारी है, अल्लाह जिसकी भी है उसके नसीब करे। कह रहे हैं कुकड़ मर गई, तीन तीन बच्चे खड़े हुए मुर्गी के बेचारे के अफसोस में। चले चल घर चलो जाओ, अभी इनको डर नहीं लगता ना, ये अभी गिरता बच्चा, यहाँ पे बहुत डेंजरस जगह है, जो बच्चे जो है ना ये इस फार्म के पास खड़े हैं, और इस मुर्गी को जो है ना वो बेचारा मुर्गी के अफसोस में, हमारी मुर्गी मर गई, पता नहीं बेचारी कैसे मरी है, मुझे लगता है पानी में गिरी है जो मर गई है। घर पे पहुंच चुके हैं खैर वाफियत के साथ, तो जैसे आई हूँ लाडो सिस्टर जो है ना कपड़े तय कर रही है, लेकिन अब देखो जो कपड़े तय करता है और रखता भी वही है, अब सिस्टर कह रही है कपड़े मैंने तय किए अब आप रखो, तो मैं को बोला है आप जो है ना आप जाके रख दो, मैं कह रही है मैं तो नहीं उठने वाली, क्योंकि मैं मुझे ना किसी एल्फी ने मुझे पकड़ लिया, मैंने नहीं जाना। इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो
हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।